वेलकम बैक टू माई टेरेस एंड किचन गार्डन। कुछ लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि गुलदाउदी, क्रिसेंथमम या सेवंती का जो प्लांट होता है वो अपना परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार फ्लावरिंग होने के बाद आप इसको अगले साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले आपको जो फ्लावरिंग हो चुकी है और जो फ्लावर मर चुके हैं उनकी आपको सबसे पहले कटिंग करनी होगी। क्या होता है, कभी कभी हम अपने मरे हुए फ्लावर्स की कटिंग नहीं करते, जिससे फ्लावर यानी पूरा पोषण प्लांट्स का इन फ्लावर को देता रहेगा। ये फ्लावर ओस गिरने से या अपन वाटरिंग करने से, ये फ्लावर पर जो पानी पड़ता है उससे ये फ्लावर सड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन को फ्लावरिंग की कटिंग करनी होगी। ये देखिए, इनके साथ में ये जो बर्ड्स आ रही हैं, ये भी अब इनको भी आप कटिंग करेंगे। ये देखिए, इनके साथ जी बर्ड्स हैं, इसमें देखो फंगस लगी हुई है, वाटर से फंगस लग गई है। ये देखिए, आप ये सोचें कि इसके साथ में ये बर्ड्स है, इसकी आप कटिंग ना करें, तो ये देखिए ये फ्लावर के साथ में ये बर्ड्स भी फंगस के साथ, ये देखिए फंगस लग गई है, तो इसमें फ्लावर नहीं खिलेगा, तो इसकी भी आप अच्छे से कटिंग कर दें। हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर दी है, अब इसमें से सूखे वूखे पत्ते सारे निकाल लें। ये देखिए अपना प्लांट तैयार हो चुका है। इसमें से ये देखिए आप, ये नीचे से जो नई ग्रोथ निकल रही है, ये देखिए इससे आपका पूरा प्लांटर भर जाएगा और अगले साल के लिए आपका एक क्रिसेंथेमम रेडी हो जाएगा। ये देखिए, और आप इन फ्लावर्स को फेंके नहीं, आप इनकी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और इसमें से ये कटिंग भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। कटिंग भी मैं लगाऊंगी। आप गुलदाउदी प्लांट को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, प्लांट अगले साल के लिए आपके लिए तैयार हो चुका है। अभी आप इसे धूप में रखें, बाद में आप इसको शेड में रखें। ये मेरा 2 से 3 साल पुराना प्लांट है, हर साल इसी प्लांट से मैं फ्लावरिंग लेती हूँ। और ये देखिए आपका तैयार है प्लांट। अभी इन प्लांट्स में मेरी फ्लावरिंग हो रही है, तो इनको मैं बाद में रेडी करूँगी। अगर इन पर मच्छर मक्खी का अगर अटैक होता है, आप तो थोड़ी सी इन पर राख स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी कीड़े मकौड़े ना लगें और आपका प्लांट सेफ रहे, इनमें फंगस ना लगे बिल्कुल भी। तो मेरी आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं। ज़्यादातर लोग प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप अगले साल भी अपने प्लांट से कटिंग बना सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, और आप एक प्लांट से अनेक प्लांट्स बना सकते हैं। नमस्कार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।